नवाज शरीफ जब वापस आ जाएगा ये मुल्क यूं टेक ऑफ करेगा। नवाज शरीफ आएगा, बिस्मिल्लाह जी आए, पहले जेल जाएं। शेर आएगा और छाएगा। नवाज शरीफ साहब का जो हलका है बिल्कुल उसके सेंटर के अंदर मौजूद है, वो ग्रीन सिग्नल थोड़ा सा मिला है तो तशरीफ लेके आ रहे हैं। कानून की धज्जियां उड़ा गए मियां साहब तो वो जनाब अब आ रहे हैं। आपका नाम क्या? चौधरी दानगुजर पीएमएलएन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अपने खसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन आज मैं लाहौर के अंदर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप ये बैनर अभी देख रहे थे, नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। 21 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तकरीबन 3-4 साल के बाद जो है उनका रिटर्न होने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ये नवाज शरीफ साहब का हलका है, इन्होंने सबसे पहले अपनी सियासत का आगाज़ इसी हलके से लाहौर के इस दिल से किया था। यहाँ के लोग नवाज शरीफ साहब के बारे में आज क्या सोचते हैं, किस हद तक उनके साथ एफिलिएटेड हैं, कितना को वेलकम करेंगे, गिले शिकवे करेंगे, गले लगाएंगे या गिले शिकवे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोगों की क्या राय है, आज वो पीटीआई के साथ हैं या आज भी नून लीग के साथ हैं, आज इनका हलका क्या पैगाम देना चाहेगा नवाज शरीफ को, इन्हीं के हलके के अंदर आज हम मौजूद हैं और इनके हलके के लोगों से जाके इस सिलसिले में सवाल करते हैं, देखते हैं कि उनकी क्या राय है। आइए मेरे साथ। तो जनाब ये यहाँ से इस वक्त हम लोग नवाज शरीफ साहब का जो हलका है बिल्कुल उसके सेंटर के अंदर मौजूद हैं और हम पहले भी यहाँ पे कई रोड शोज कर चुके हैं, लोगों से गुफ्तगू कर चुके हैं। अभी की क्या राय है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्या उनका इस्तकबाल करेंगे या उनसे एहतजाज करेंगे, आइए बात करते हैं लोगों से। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाज शरीफ साहब वापस आने लगे हैं, 21 अक्टूबर को कह रहे हैं जी वापस आ रहे हैं जी, कोई पैगाम उनके लिए? ज़रूर आना चाहिए। अच्छा। और पहले जज्बों के साथ आना चाहिए, जिस तरह पहले मुल्क को तरक्की दी इस तरह दोबारा तरक्की दें और मुल्क की डूबी हुई मईशत को दोबारा बहाल करें। वो लोग कहते हैं डूबी हुई मईशत की जिम्मेदारी ये लोग हैं। लोगों को तो मईशत का नहीं पता ना कि मईशत होती क्या चीज़ है और डूबती किस तरह और तरती किस तरह। 16 माह में क्या किया? 16 माह में क्या किया? 16 माह में जब कीचड़ बारिश हो जाती है तो कीचड़ के खुश्क होने में बड़ा वक्त लगता है। अच्छा। उनकी डूबी हुई मईशत को संभालने में 16 माह लग गए, अब उसको बहाल करने में लगेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? मियाँ साहब का हल्का है, मियाँ साहब वापस आने लगे हैं भाईजान 21 अक्टूबर। बहुत अच्छी मुबारक की बात है सर ये। अच्छा जी, अच्छी क्या बात होगा मियाँ साहब के वापस आने से? बस उनके रिक्वेस्ट करेंगे आपकी मेहरबानी वापस चले जाएं। हैं? वापस चले जाएं? क्यों? जो हालात उन्होंने कर दी है ना, मुझे नहीं लगता बेहतर होंगे। अच्छा। 225 यूनिट पे 9,500 रुपये बिल अभी मैं जमा करवा के आया हूँ। कितने? 225 यूनिट पे 9,000 कुछ बिल मैं अभी जमा करवा के आया हूँ, ये अभी करवा के आया हूँ। अच्छा। 225 यूनिट पे 2500 बिल आता था, 2500-2800 बिल आता था 245 यूनिट पे। अच्छा, 9,000 रुपये आपने जमा करा? हाँ जी, ये 9,000 रुपये अभी मैं जमा करवा के आया। मियाँ साहब यहाँ से गुजरेंगे, बिल दिखाएंगे आप उनको? बिल भी दिखाएंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे आपकी मेहरबानी आप वापस ही चले जाएं, वापस ही चले जाएं। भजन आप क्या कहते हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं जनाब 21 अक्टूबर? मैं तो कहना पहले एयरपोर्ट तो जाना चाहिए। अच्छा। एक जूतियों का हार बनाना चाहिए। क्या जी? जूतों का हार बनाना चाहिए उनको, क्योंकि जो मुल्क का बेड़ा गर्क करके गए हैं और बाकी इसके बाद में कुछ नहीं कह सकता। गरीब बंदा दिहाड़ी वाला जिसकी 400 मजदूरी है उसका तो कुछ नहीं हो सकता ना। वोट किन्हों देना? आई लव यू खान साहब। आओ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मियाँ साहब आने लगे हैं जनाब 21 अक्टूबर को आने लगे हैं। मियाँ साहब 30 साल पहले भी आए हुए थे। कब? मैं 30 साल पहले भी थे, उन्होंने तब भी क्या किया था, जॉब आगे उन्होंने कर लेना। अब महंगाई का क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। पहले भी तो मुझे महंगाई का यही हाल था। अब तो कहते 2013 से लेकर 2018 तक का हमारा दौर देखे सुनहरी दौर था। हाँ, वो सुनहरी ठीक हो जाएगा, उसमें भी वहाँ मरती रही, अब भी वहाँ मरेगी। अच्छा, अब उन्होंने क्या कर लेना आगे, अब महंगाई क्या कम हो रही है, पेट्रोल का आप देख लें 400 रुपये जाने लगा। हाँ। उनके आने से क्या ये 100 रुपये भी आ जाएगा क्या? लगता है 80% आवाम जो है ना अब इनसे बागी हो गई हुई है। अच्छा। इन सब से ही। अच्छा। कि कोई रिजल्ट ही नहीं है अभी तक, हर आवाम हर बंदा मर रहा है, चाहे वो दुकानदार है चाहे वो दिहाड़ी दबाद है, हर बंदा मर रहा है। वोट किन्नू देना? वोट अभी तक नहीं सोचा किसी को दे, जेन कोई है नहीं, कोई वोट, कोई काबिल ही नहीं इसके वोट। इमरान खान और नवाज शरीफ, तो इमरान खान
उनको भी देख के देख लिया, इनको भी देख के देख लिया। गल नहीं बनी, अब बिलावल को दे दे। नहीं 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 नहीं, तरीके लब्बा का नाम नहीं ले रहे। किसका? तरीके लब्बा का। अब नाम लिया कभी? किसका मर्जी, कभी कोई पार्टी नहीं नाम लेती तरीके लब्बा का। अभी अभी सबसे पार्टी स्ट्रांग जा रही है, पीपल पार्टी से स्ट्रांग जा रही है, लेकिन आप कोई मीडिया वाला उसका नाम नहीं। आप ले, आप ले, आप मैं तो ले रहा हूँ। आपके ख्याल में उनको वोट देना चाहिए? हाँ, तरीके लब्बा को वोट दें। इस दफा उनको आजमाना चाहिए, उनको भी आजमाना चाहिए, उनको भी आजमाना चाहिए। ये चोरों से तो जान छुटेगी ना। ठीक, कोई ऐसा बंदा आना चाहिए। थैंक यू। 21 अक्टूबर को मियां साहब आने लगे हैं। जी बिल्कुल। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उनको, अगर इस वक्त मियां साहब वैसे देख रहे होंगे, मुझे पता है वो प्रोग्राम जरूर देखते हैं। मियां साहब का आना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से कि मियां साहब के जब थे पहले जो उनके दो अपना टर्न बढ़े हैं, उसमें हमारा कारोबार ऐसे जा रहा था ऊपर की तरफ। अच्छा। उसके बाद जब ये तब्दीली लेके आए हैं, सत्यानाश हो गया। सुबह से आगे बैठा हूँ मैं, एक बंदा पूछने के लिए नहीं आया, अभी क्या लेने के लिए बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि ये तो पीडीएम की गवर्नमेंट की वजह से हुआ। पीडीएम नहीं, पीडीएम से पहले किसकी हुकूमत थी? इमरान खान साहब की थी। खान साहब ने सत्यानाश कर दिया, तब्दीली लाने के लिए उन्होंने हमारा खाना ख़राब कर दिया। मतलब ये है कि 3 टाइम से 2 टाइम पर आ गए हम। अच्छा। हमारे ताजरों का ये हाल है, तो ये जो लड़के हैं इनका क्या हाल होगा? आप देखें, 8 लड़के थे मेरे पास, हम ये 2 लड़के बैठे हुए थे बड़ी शॉप पे। 8 थे आपके पास? जी 8 थे, ये 2 लड़के खड़े हैं। 2 हो गए हैं? जी 2 हो गए हैं। 6 लोगों को फारिग कर दिया? फारिग कर दिया, काम नहीं है। ये कब, ये 6 लोग कब फारिग हुए? ये तकरीबन पिछले 6-8 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। यार 6-8 महीने तो फिर पीडीएम की गवर्नमेंट थी, थी ना, लेकिन खाना खराब तो वो करके गए ना पहले वाले। आपका मतलब बीज बो दिया गया और उसके बाद ये बेड़ा करके खान साहब ने जो अपना वो खत्म किया अपना आईएम से जो मुआहदा, उसका सारा ये भुगतना पड़ रहा है ना, ये पेट्रोल ये हर चीज़ जो महंगी हो रही है उस वजह से हो रही है ना। अच्छा जी, तो यानी वायदा करके ना तोड़ते ये सिलसिला नहीं होना था। तो आपको उम्मीद है कि मियां साहब अगर आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे? मियां साहब आएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे हालात। बहुत शुक्रिया। मियां साहब वापस आने लगे हैं 21 अक्टूबर को, अब क्या उम्मीद लगाई जाए उनसे? उनसे यही उम्मीद लगाई जाए कि हालात जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे तो हर बंदा जो है ना ख़राब हुआ, आँखों की दवाई नहीं मिल रही यहाँ पे। ये हालात हुए हैं कि यहाँ पे जो चीज़ भी कोई ऐसी बीमारी आ जाए वो दवाइयाँ शॉर्ट हो जाती हैं, हर चीज़, कोई पूछने वाला नहीं रह गया। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं। तो खान साहब नहीं कर सकते सब कुछ? खान साहब भी आ जाएंगे? खान साहब ने तो करके देख लिया ना। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कहाँ से पेट्रोल कहाँ चला गया, ठीक है, डॉलर कहाँ से कहाँ चला, तो इनके दौर में नहीं गया? नहीं, इनके दौर में गया ना वो 182 का डॉलर मिला था, 295 के ऊपर छोड़ के गए वो। आहिस्ता आहिस्ता तो जो इन्होंने पहले मायदे किए हुए थे उसके मुताबिक गया ये जो ना, आहिस्ता आहिस्ता उनकी वजह से, आहिस्ता आहिस्ता जो मायदे किए हुए हैं उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें डॉलर कम हो रहा है तो अब क्या मतलब है, अब कोई वजह तो नहीं ना कोई। अच्छा, मैं आपको तो जानता हूँ, आप तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इस मियाँ साहब के हलके में पिछले कम से कम 35-40 साल से तो आप यहीं पे हैं। जी हाँ, ऐसे ही है ना? ऐसे ही। तो आपके ख्याल में हलके लोगों से आप मिलते होंगे, बात करते होंगे, मियाँ साहब के लिए वही पैशन है या कम हुआ है या ज़्यादा हुआ? नहीं नहीं, वही प्रेशर है। अच्छा, बिल्कुल वही प्रेशर। आज भी मियाँ साहब उसी तरह ही वोट, उसी तरह वोट मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? एक छोटा सा हम सर्वे कर रहे हैं, आपकी राय चाहिए। जी जी भाई जान। ये मियां साहब का हलका है? बिल्कुल मियां साहब का हलका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस आने लगे हैं? माशाल्लाह, आने दें, खुशी है। अच्छा, मतलब क्या पैगाम देना चाहिए आप? मियां साहब समझ लें, मियां साहब आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम दे रहे हैं? तो ये जब 2018 से शुरू हो रहा था हमारा, तरक्की दोबारा शुरू होगी इंशाल्लाह। कब? 2018 से इलेक्शन हुआ था जब इमरान खान को हुकूमत। अच्छा, यानी आपका मतलब तरक्की हो रही थी 2018 में, खत्म कर दी गई, अब दोबारा हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैं आपकी बात जो समझा उसका मतलब है आप समझ रहे हैं कि मियां साहब जब आएंगे तो पाकिस्तान दोबारा तरक्की करना शुरू करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। अच्छा। आप सरकार सल्लम के सदके से। अच्छा, तो वो खान साहब नहीं ये कर सकते? आपको सबको इलम है क्या करते रहे वो लोग, क्या करने आए थे वो, किन दिनों में भेजा था उन लोगों को, क्या करके गए वो, कोई एक बंदा भी मेरे को दिखा दे काबिल इतना था जो मुल्क इतने आगे लेकर जाए। उस्मान बुज़दार साहब आपको वज़ीर आला दिए, एक गरीब मुतवस्सित तबके से कहते हैं वो कहता था वसीम अकरम प्लस, वो वसीम अकरम प्लस नहीं था, मंसूर अख्तर था। अच्छा। आपको याद होगा क्रिकेटर था मंसूर अख्तर, सिफारशी था उनका। हाँ जी। स्पेशल वो था, वो उस्मान बुज़दार था उनका। आपके कारोबार में की क्या सूरत हाल रही है पिछले 4-5 दिन से? बहुत स्लो काम है। अच्छा, काम नहीं है। नहीं, लेकिन खान साहब के दौर में कैसा रहा और उसके बाद पीडीएम के दौर में? भट्ट साहब जी फरमाइए। ये मियां साहब जो हैं वो 21 अक्टूबर को वापस आने लगे हैं। जी, तो ये मियां साहब अगर इस वक्त आपकी आपको देख रहे हो, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उनको? पैगाम क्या है, बिस्मिल्लाह जी, आएं, पहले जेल जाएं,
अपने मुकदमात को ख़त्म कराएं फिर आएँ आवाम में। अच्छा, क्योंकि वो 50 रुपये का एक जैली सा बॉन्ड दे के अदा अपना जेल से रिहा जमानत पे गए हुए हैं। अच्छा, उनके केस बरकरार हैं, खुल गए हैं, वो पहले अदालतों का सामना करेंगे तो फिर पब्लिक में आ सकेंगे ना। अच्छा, अब आप, हाँ जी, आप यहाँ पे ना इस मियाँ साहब के हलके में मेरे ख्याल में 35-40-45 साल से तो यही पे जी ना? जी मैं जी बिल्कुल। लोगों की क्या राय है आज मियाँ साहब के हलके से, लोगों की क्या राय है? इंशाल्लाह जब भी इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए तो उन्हें इबरतनाक शिकस्त होगी। क्यों? क्यों उन्होंने इस आवाम के साथ वो किया? मैं जी इस हल्के में भी इंशाल्लाह। अच्छा, लोगों को ये जो गरीब बैठे हुए हैं ना, इनके पूछे कि एक वक्त की रोटी कितने में ये खा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने इतना अजाब यहाँ पैदा किया है कि 350-350 रुपये का पेट्रोल है। लोग छोड़ गए मंसूर, आज आप मेट्रो में कभी सफ़र करें आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती। लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, अपनी मोटरसाइकिलें पार्क करते हैं और 35-40 रुपये के लिए मेट्रो की बात वो कर तो मियाँ साहब ने दी थी। तो मियाँ साहब ने पल्ले से दी थी कौम का पैसा, हम अभी भी पाकिस्तान उसको दे रहा है। हाँ, चाइना को, ये किसी का कोई नहीं। हुक्मरान इसलिए चले जाते हैं। आप भी एक ताजर हैं, वो भी एक ताजर हैं। वो ये कहते हैं कि जी मियां साहब आएंगे, आप देखिएगा कारोबार ठीक होना शुरू हो जाएगा, देख लेंगे ना। आगे हमने 3 मरतबा तो देख लिया ना जो ठीक किया उन्होंने। अभी शहबाज शरीफ इंशाल्लाह, आप अभी भी ये समझते हैं इंशाल्लाह? तो भाट साहब जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, तो सबकी अपनी राय ना भाई। हम तो सोचते हैं बेड़ा गर्क इसलिए किया है, ये हकाई की बात इनको भी करनी चाहिए। ठीक है, ख्वाहिश कोई भी हो, वो इनके माई बाप हो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, लेकिन उन्होंने अमलन कारकर्दगी की क्या किया है? आज जो चीज़ 100 रुपये की बिकती थी वो 250 रुपये की, कोई पाकिस्तान की शुमारियात नहीं बदलाता। ये 150% महंगाई बढ़ गई है। आप लोग मर गए गरीब आदमी को, आप मुझे हाल रोड में फिर के देखें मंजूर, ये किसी मजदूर को जो है ना वो 32,000 रुपये तनख्वाह मिलती है कोई? ये जुल्म है, ज्यादती है, धोखा है। इन्होंने हमेशा जब भी जो है ना हुक्मरानी की है, आपने मुल्क को लूटा ही है। यहाँ पे बाबा जी मियाँ साहब असी पूछ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, मियाँ साहब वापस आने लगे ने, की पैगाम दोगे मियाँ साहब? जी मियाँ साहब अरे आन या ना आन, लेकिन साढ़ा तो उन्हें वाकई कोई शक नहीं कि रोटी भी खोली साढ़े को। अच्छा, रोटी भी खोली मियां साहब ने, मियां साहब तो उन्होंने ही करके गए ने। अच्छा, ए हुन की होना, 1.5-1.5 साल 1.5 साल 16 माह दी हुकूमत जेड़ी की कीता उन्होंने, हर शाही दिने रात नु समो दिने उठो ते बत्ती दा बिल क्रिया पड़या हुंदा। मैं पता नहीं खरे किस तरह गरीब आदमी लोगों को पढ़ के, हालांकि 225 यूनिट साढ़े ने, 10,500 रुपया बिल आया। मैं 10,500 दा बिजली दा जी, मैं किस तरह ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਪੜੇ ਕਪੜਾ ਵੇਚਨੇ ਆ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਗਰ 800 ਰੁਪਿਆ 900 ਰੁਪਿਆ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ 800-900 ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਿਤਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਹੁਣ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਨੀਅਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕੀ ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ तरक्की लाएगा इंशाल्लाह वो जी तरक्की लाएंगे क्यों नहीं लाएंगे ये इमरान खान जब जिससे इमरान खान आया है ना उस टाइप से महंगाई हुई है पहले महंगाई नहीं थी इतना पेट्रोल नहीं गया था अब महंगाई हुई है जब से इमरान खान आया तब महंगाई हुई है क्यों भाईजान सर जो है नवाज शरीफ वो मुल्क क्या तरक्की देगा वो क्या तरक्की देगा जो बाहर मुल्क के भाग के बैठा है जो बाहर भाग गया है वो मुल्क में आके कैसे तरक्की देगा आएगा इंशाल्लाह इमरान खान चार सालों में इमरान खान ने क्या किया जब भी इख्तियार में आते हैं लूटने के लिए आते हैं जो ईमानदार शख्स आता है डैम का पैसा गायब कर दिया इमरान खान ने डैम का पैसा जी जो डैम का पैसा गायब किया अच्छा वो सुप्रीम कोर्ट के पास सर ये अकल और शऊर की बात है जो जो बंदा अकल और शौर रखते रहो वो इंशाल्लाह इमरान खान को वोट डालेगा क्योंकि अगर इमरान खान भाई वो शख्स है जिसने नवाज शरीफ को भजाया गया उसे वो अपनी कसूतों की वजह से भागा है वो अपने वो करप्शन की वजह से भागा है खुद आप चोर है जेल से कौन कौन इमरान खान भागता है इमरान खान चोर अंदर है वो मुल्क के अंदर है इसको ने पकड़ा नवाज शरीफ एक एक करके नवाज शरीफ नु कहता है चोर सब जेलों में
जेल आप जेल में गया क्या हो गया करप्शन दौड़ा और की कीता देखी करप्शन ओकला करके गल करो मैं बेनजीर दा साथी हां अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेरी शुरू तो बेनजीर नु वोट पीपल्स पार्टी पीपल पार्टी ठीक है लेकिन नवाज शरीफ नु भजाया गयो करप्शन की थी उन्होंने करप्शन की थी तो क्या प्रूफ है पूरी दुनिया में इमरान खान ने नंगा करके रख दिया एक मिनट वो क्या बच्चा बच्चा जानता है वो ये कह रहे हैं कि आपने नवाज शरीफ को बाहर क्यों जाने दिया बाहर इसलिए वो खुद बीमारी का बहाना बनाकर वो मुल्क से बाहर भागा था कि मैं अपना इलाज करवाने जा रहा हूँ अभी तक वो उसका इलाज नहीं मुकम्मल हुआ भाई की हुकूमत नहीं आएगा वो जी गलत बयानी ना करो सारे गलत बयानी ना करो वो ते कह रहे हैं मैंने जिथे अटक रखा जे मैं अटक च राजी हां और किथे भी नहीं रहा सरकार जिद जिहड़ी जिद करनी जिहड़ी है ना नजायज वो गल गलत है लेकिन मकसद है महंगाई तो पीडीएम के दौर भी तो हुई जीते ने सब कुछ एक बंदा एक बंदा कारोबार नु समझदा हुण साडे अर्गे नु सदर बना देवे असीं की करना अजे उल्टी काम करने कोई जदों नवाज शरीफ गया 100 रुपए लीटर पेट्रोल ही 100 तो भी थले डॉलर 123 दा सी ये भी बताए ना यार तेल किन्ने दा ही तो सोना तुहानू नहीं पता महंगाई किन्नी घटी तेल 100 रुपए तो घट नवाज शरीफ की लगता नवाज शरीफ दा भाई फलाने को इलेक्शन लड़ा था इसने प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा अकेली गाड़ी मेरी जाया करेगी कोई गाड़ी दस दस बीपीसी गाड़ी नहीं जाया करेगी आज 10 आगे होती है 10 पीछे होती थी अब क्या है ओ पाजी केड़ा नहीं लेंदा प्रोटोकॉल हां बोले आप सर जी केड़ा बंदा प्रोटोकॉल नहीं लेंदा हां सारी लेंदे ने मकसद हैगा कि आया के जनाब ओदे ते चार्ज की है और ओदे बाद वो जेल च गया वो किधरे बाहर ते नहीं गया उन्हें दरख्वास्त ते नहीं दीती कि भाजी मैं सऊदीया जाना है मैं अमेरिका जाना है मैं किधर भी जाना है मकसद है गया कि वो इसे मुल्क दा है उन्हें कहा मैं इत्थे ही मरना जीना है इस गल नूं नोटिस लवो ओदे बाद पीडीएम की जो जमात है वो उसमें नवाज शरीफ भी है हाँ जी उसमें शहबाज शरीफ भी है उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी है उसमें जनाब अपना 13 पार्टियां हैं पीपल्स पार्टी बाशमूल मुझे बताएं कि आज सारा पाकिस्तान क्यों इमरान खान को याद करता है और क्यों इन्हें गालियां निकाल रहा है वो तो नहीं कर रहे और सर जी जेड़ा बंदे आप तो यंग हैं यार जब इन्होंने नवाज शरीफ को इन्होंने किया था ना हेल तब भी ये कुछ नहीं था तब भी इन्होंने 126 दिन का धरना दिया था 65 रुपए लीटर पेट्रोल था 100 रुपए का डॉलर था मैं आपको बता रहा हूँ 50 की चीनी थी तब भी इन्होंने धरना दिया था 2014 में यही था ऐसे था मैं बता रहा हूँ फिर अवाम ने तब जाके दे दिया धरना हाँ मुझे इतने महंगा इतनी महंगाई है अवाम कुछ नहीं होती इनकी सजा है ठीक है ना इनकी सजा है ये इनकी सजा है ये इनकी सजा है ये इतनी महंगाई इनकी सजा है ये इनकी सजा है इससे ज्यादा होनी चाहिए इनकी खातिर क्यों इन्होंने तब 65 रुपए लीटर पेट्रोल में क्यों ऐसे किया था जब हम 65 जब इन्होंने कहा इमरान खान आएगा तब्दीली हो जाएगी 20 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा इमरान खान ने जाके 150 पे छोड़ दिया इनको इमरान खान ने तो महंगाई नहीं की मकसद ये है कि करप्शन उदो चार्जेस इमरान खान से नहीं लाए परचे इमरान खान से नहीं दिते नवाज शरीफ से सर जी जदों अंकर परसन ही कहते हैं साढ़े कई अंकर परसन अभी टीवी पर प्रोग्राम देखते रहे हैं कि उन्होंने कहा कि यार जो भी लूटमार की थी है जितनी भी लूटमार हुई है ये इसके दौर में हुई है नवाज शरीफ के दौर में मदीने शरीफ का गिफ्ट दिता जाए मदीने शरीफ का कड़ी हदिया ने आज भी ओरी जिनी कीमत ली जाए ना थोड़ी है हदिया ने आज मदीने शरीफ से असि मुसलमान अलहमदुलिल्लाह का नबी का कलमा पढ़न आने उन्हें गिफ्ट भेज दिते ने उस बंदे पे ये करप्शन लगा रहे हैं घड़ी की जिसने पूरी दुनिया को ये साबित किया है कि वो ईमानदार शख्स है ठीक है आप उस पे करप्शन सिर्फ घड़ी का लगा रहे हैं ठीक है एक मिनट बंदा सेहत कार्ड 10 लाख रुपया सेहत कार्ड में एक आदमी गरीब आदमी के अकाउंट में जा रहा है ठीक है ना हर बंदा कभी भी प्राइवेट में गरीब आदमी नहीं गया सिर्फ क्यों जाता है सिर्फ इमरान खान की वजह से उसने सेहत कार्ड की वजह मैंने खुद अपने खाला का इलाज करवाया सेहत कार्ड किसका प्रोजेक्ट था आपको इतना बताया ये नवाज शरीफ का था तो उस वक्त अकाउंट में क्यों नहीं आया 10 लाख भाई जान कह रहे
कि घड़ी उन्हें गिफ्ट उन्हें सेल कर दिता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नूं मदीना मुनव्वरा जदों शिफ्ट होए सन इन्हां नूं किन्ने कनाल जगह उत्थे सऊदीया और मदीना मुनव्वरा दे अंदर मिली सी गिफ्ट, वो इन्हां ने क्यों सेल कीती है सर? वो साडी आवाम नूं जो स्पीकर जिहड़ा गिफ्ट कीता नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने कीता। एक बड़े बड़े बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि की नवाज शरीफ ने गिफ्ट दिता है जदों आ जगह जिहड़ी है ना प्लॉट जिहड़ा सी शौकत खान वाला। हां जी शौकत खान वाला भी डिक्लेअर नहीं हुआ। मंजूर साहब आपने मरियम का प्रोग्राम आपने एक मिनट आपने मंजूर साहब आपका मैंने एक प्रोग्राम देखा है, आपने मरियम नवाज का इंटरव्यू किया था उसमें आपने एक गाड़ी डिक्लेअर की थी कि ये आपने इस साल में गाड़ी निकाल दी BMW। आपने पूछा था वो गाड़ी चुप हो गई कि ये तो मेरे इलम में नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है कि वालदैन ये बच्चे ये गाड़ी निकाल और पता ही ना हो? दोबारा नाम ले अपना। चौधरी दान गुजर PMLN व्हाट्सएप फेसबुक जहां बड़ी सर्च यार आपने रोला पान नाल कुछ नहीं होना इंशाल्लाह इमरान ने आ रहा है इसका कहने को कुछ मैं कहता हूं इमरान खान आ नहीं सकता कभी, इनका कसूर नहीं है, इनके ज़हन वॉश हुए हुए हैं, तकरीरें कर करके वो आपके बारे में ये कहते हैं, वो सही है, पागलों की बातें करते हैं ना मेरी बात। शेर इन्होंने खान साहब ने इतनी तकरीरें कर करके ने ज़हन वॉश कर दिया, वो कुत्ते को शेर कहेंगे इन्होंने कह देना, इनके ज़हन ऐसे वॉश हुए हैं, कोई फायदा नहीं है बहस करने का। कुत्ते को शेर कह देना, अब तो खान साहब से कोई सलाम नहीं लेता, सलाम करके गड्डी उतार लेते हैं। करो जनाब और मेरी गल सुनो, वक्त आंदा रहता है थल्ले उत्ते हो जाता है सारा मजा खत्म हो गया। मेरी गल सुन लो, 2018 से कैसा कर दिया, 3 साल बेड़ा गर्क करके चला गया, 2018 से इन्होंने मजा से अमल नहीं है, मिरंडी मिलना आपको। नवाज शरीफ पे केस ओपन हुए बाहर क्यों भागा? बीमारी का बहाना लगा के बाहर भागा, अभी तक जाने क्यों जाने दिया, अभी तक क्यों नहीं वापस आया? एक मिनट, जब वो कह रहा था मेरी प्लेटें इसकी प्लेटें गिर गई है इसके सब कुछ, ये तो अभी खत्म होने वाला है अगर ये मर गया। अब काफी बहस हो गई, वो हम इधर खड़े हुए भाईजान, नून लीग के साथ कौन कौन है हाथ खड़ा करे और अच्छा नीचे करें, अब PTI के साथ कौन कौन है? हम हक और सच के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब वापस आने लगे हैं, रिक्वेस्ट करेंगे आपकी मेहरबानी वापस चले जी। 65 रुपए लीटर पेट्रोल था, नियत है कि वोट इमरान खान को देना, 100 रुपए का डॉलर था। आई लव यू खान साहब, 50 की चीनी। नवाज शरीफ जल्द आएगा और पाकिस्तान की तकदीर आगे बदल देगा इंशाल्लाह। हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं जी जी। ये मियाँ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को वापस आने लगे हैं जी जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप मियाँ साहब को? आना चाहिए मियाँ साहब को। अच्छा क्यों आना चाहिए उसको? आपको आपको क्या उम्मीद है उनसे? अच्छी उम्मीद है, 2017 वाली उम्मीद है जब मैंने मोटरसाइकिल ली थी 65,000 की 70 थी उस दौर में, 60 रुपये पेट्रोल था, 150 रुपये घी था, 10,000 तनख्वाह, इतना अच्छा दिन गुजर जाते हैं, 25,000 तनख्वाह है, हालात नहीं सही। अच्छा कोई मियां साहब है? कसूरवार इसके कौन है? इमरान खान। इमरान खान की तो हुकूमत नहीं थी, 16 माह तो PTM की गवर्नमेंट थी। 3 साल तो कर गया ना, 3 साल जो IMF के साथ एग्रीमेंट कर गया वो गलत पॉलिसी कर गया ना। अच्छा। जब पेट्रोल महंगा होना था बिजली इसने गलत पॉलिसी IMF के साथ तो ये इन्होंने भी किया ना। पहले इसने सबसे ज्यादा कर्जा इसने लिया पाकिस्तान की जिंदगी में, तो गलत फिर इसने किया है ना। अच्छा वैसे PTM आपके सिर्फ इतला के लिए PTM की जो गवर्नमेंट रही है ना 16 माह उसने इमरान खान की हुकूमत से भी ज्यादा कर्जा लिया, ज्यादा लिया। अगर शहबाज शरीफ ना आते तो डिफॉल्ट कर जाता, लेते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाना था, मजबूरी थी, मुल्क डिफॉल्ट हो जाना था, कर्जा ना लेते तो शहबाज शरीफ ना आता तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाना। जर्मन शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ये मियां साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को वापस जी जी, बड़ी देर के बाद अपने हल्के में भी आएंगे यहाँ पे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जश्न होगा यहाँ पे। क्या होगा? जश्न, जश्न होगा जी 21 तारीख को, मुल्क की तकदीर बदल जाएगी इंशाल्लाह। को जश्न होगा शेर का। अच्छा तकदीर बदल जाएगी इंशाल्लाह मुल्क की। नहीं आप ये सीरियसली कह रहे हैं? जी जी सीरियस कह रहा हूँ। सीरियस नहीं। अच्छा क्यों आप ये कह रहे हैं, आपकी क्या इस वजह क्या है इस बुनियाद? उनकी डिमांड बन गई अब पाकिस्तान, उनके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, अब मियाँ साहब के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। चीन ने भी कह दिया है
सऊदीया ने भी कहते हैं कि उसको लेके आओ। नहीं, वो असल बात तो ये कि आपने क्या कहा है या आवाम ने क्या कहा है, असल बात वो सऊदीया या कोई और कहता रहे, असल तो आवाम ने वोट डाला है। आवाम डालेगी, आवाम डालेगी वोट के बगैर ही आ जाएगा वो। यहाँ पे आपको कितनी देर होगी मियाँ साहब के हल्के में? तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल, ये 25 साल के बाद आजकल हल्के की क्या मूड है? वैसे ही है, बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं है। की कह रहे हो? मियाँ साहब ने 21 शहबाज शरीफ ने आखे वे इंशाल्लाह ओदे करिंदे कोई बाहर दे मुल्क ना जान है जिदन ओने आना इस्तकबाल करना। ए मियाँ साहब ने आना कोई फर्क पएगा? भेजदा भेजदा अगे वे ने हुकूमत चलाई है ना 17 दे विच ओदा की सी 150 तो हां जी ओ क्यों सी 50 रुपए चीनी 72 रुपए डी। ए जेड़ी महंगाई आई है एदा कौन कसूरवार है? कसूर नहीं, कसूरवार जिन्हें 3.5 साल की एक पाकिस्तान से एक इट भी नहीं लवाई। कौन? इमरान खान। इमरान खान कसूरवार? हाँ हाँ हाँ। तो गवर्नमेंट तो 16 माह इधर इन्हें दी सी ना पीडीएम। वो इन्हें दे उनकी की तो 15 महीने जैन की कर लेना सी अगो को मत जी दिया इधी मोड़ उन्हें वेखा दे फिर बेहतर होएगा। ठीक ठीक, आप बड़े पुराने इस हल्के में काम करते हैं, क्या होगा जब मियाँ साहब आएंगे 21 अक्टूबर को, ये लोग निकलेंगे उनके लिए नहीं निकलेंगे, वेलकम करेंगे नहीं करेंगे, क्या समझते हैं? 50-50% है चांस अभी है इनकी सपोर्ट है? हाँ, है मियाँ, बिल्कुल है। अच्छा बिल्कुल है। लेकिन लेकिन आपकी क्या राय है वैसे? वैसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा मियाँ साहब के आने, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फिलहाल वक्ती तौर पे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों को उम्मीद तो है ना। आपको क्या उम्मीद है कि लोगों को छोड़ें अपनी बात? मुझे तो उम्मीद है कि आगे कुछ और कुछ करेंगे। अच्छा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा उनको सबक हासिल हो जाना चाहिए। अच्छा, और आवाम के लिए नवाज शरीफ वगैरह, क्योंकि अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना है ख़ासतौर पर कारोबारी तबके के लिए, तो उनको कदम उठाना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन लोग ये भी तो फिर सवाल करते हैं ना कि भाईजान 3-4 साल से किधर गायब थे आप, तो बीमारी का कहकर गए थे। बिल्कुल, ये तो है। ये तो सारों को पता है कि बीमारी का कहकर गए। अब ठीक हो गए? अब ठीक हो गए, दिमागी तो मातम ठीक हो गए, हालात भी ठीक हो गए, प्लेटलेट्स भी ठीक हो गए, सब ठीक हो गए, अल्लाह उन्हें सेहत दे, मतलब ये तो सबके लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन हल्के में लोग आज भी करते हैं, सपोर्ट है। अच्छा, वैसे एक राय है, अगर खान साहब और मियाँ साहब यहाँ से खड़े हो जाएं, इस हल्के में खड़े हो जाएं इकट्ठे आमने सामने, कौन जीतेगा? मियाँ साहब जीतेंगे। अच्छा, मियाँ साहब जीतेंगे? है, इतनी बार तो है उनके अभी, बेचारे वो चले गए, इतनी बार तो है अभी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से? जी अल्लाह। ये मियाँ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, क्या राय है उनके बारे में, क्या पैगाम है उनके लिए, कोई फ़र्क पड़ेगा या नई लोगों को इस्तकबाल करना चाहिए, क्या राय है आपकी इस बारे में? यार बात ये है कि अपनी मर्जी से गए हैं ये लोग, ठीक है ना जी, लोगों ने बड़ा पुकारा है ये, लेकिन ये नहीं आए, ठीक है ना जी। तो अब जो है वो सिलसिला ये बन गया हुआ है कि अब उनको वो ग्रीन सिग्नल थोड़ा सा मिला है तो तशरीफ लेके आ रहे हैं। कहाँ से मिलता है ये ग्रीन सिग्नल आपको पता है? इधर बाजार में मिलता है? आपको पता ही है कि कहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलता है? अच्छा, नहीं मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है ना, शायद यहीं से मिल जाता है। नहीं, मे भी यहाँ से सिग्नल जाते हों, इनके थ्रू जाते हों सिग्नल। बहरहाल मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो तबाही हो चुकी हुई है इन सियासतदानों ने कर दी हुई है, इसके बाद आवाम के पास ताकत ही नहीं है किसी का इस्तकबाल करने के लिए, इन सारे सियासतदानों। हाँ, इन सारे सियासतदानों नहीं, इसमें इमरान खान भी शामिल, सब में, सब ने मिलकर तबाह कर दिया है मुल्क को, आपस में बैठे नहीं है, सलाम आपस में नहीं किया है, अब वो सलाम भी करना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आगे जो है ना वो सारे मसले खराब हुए हुए हैं। तो ये ठीक इस तरह ही होने थे कि आगे आपस में बैठते और दूसरे तीसरी पार्टी को समझाते हैं ये। अच्छा। आप तीसरी पार्टी का मतलब समझ रहे हैं ना, उनको समझाते हैं ये ग्रीन सिग्नल। हाँ, ग्रीन सिग्नल वाली को समझाते हैं कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करना है। अच्छा। ये आपस में जब सीट मिल जाती है वो कहते हैं ठीक है आप बादशाह हैं, आपने हमें बिठा दिया है, बस ठीक है आप ठीक है, हम ऐसे ऐसे ही। तो ये इलेक्शन हो जाएंगे आपके ख्याल में? सर इलेक्शन का मजा नहीं है वो, क्यों? क्योंकि आवाम के पास ताकत ही नहीं है, आवाम के पास ताकत हो तो कोई आदमी पार्टी ऊपर आए। आवाम ने तो वोट डालना है ना सर, वोट पता नहीं अब किसने डालना है, आवाम के पास खाने को कुछ नहीं है, वोट क्या डाल के क्या करेंगे? अगर एक वो उनको प्लेट मिल जाएगी बिरयानी की, एक प्लेट बिरयानी की मिल जाएगी तो शायद डाल दें वो किसी को, ठीक है ना, फिर सारी उम्र होते रहेंगे वो। मसला ये है कि आए वो हमारे लीडर्स हैं, आए सारे लोग आए, लेकिन मुल्क के लिए सोचें, अपने लिए नहीं सोचें। शुक्रिया शुक्रिया। एक छोटा सा हम सर्वे कर रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, क्या होगा उनके आने से, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फ़र्क क्या पड़ना है, आवाम को हर सियासी पार्टी बेवकूफ़ बना रही है और एस्टेब्लिशमेंट अपने जो उनके साथ यस होगा बंदा वो ले आएंगे बस, और उससे काम चलाएंगे। अच्छा,
और जहां आवाम के मुफाद के लिए कोई लीडर खड़ा होगा तो यकीनन हटा दिया जाएगा। अच्छा, जिस तरह भुट्टो और बेनजीर और मियां साहब का भी 3 दफ़ा जो अंजाम हो चुका है, इसी तरह की होता है ना आगे, और कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस आवाम को नारा लगाएंगे। आपने वो भुट्टो साहब का नाम लिया, बेनजीर का, नवाज शरीफ साहब का, इमरान खान का नहीं लिया? इमरान खान तो अभी नया, उसको अभी पता चला ना, क्या पहले तो चने चबाए हैं उसने, अब वो लोहे के बन गए उसके मुंह में। तो फिर इसका मतलब तो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि अगले इलेक्शन में भी कोई कुछ भी नहीं होगा। ये जब तक कौम मुतहद होकर निकलेगी नहीं, किसी खास कोई बंदा अल्लाह का कोई फरिश्ता निकला है, जिस तरह खमीनी था। और ये मियाँ साहब वाली बात ठीक है, आए मियाँ साहब पहले भी 3 दफ़ा आ चुके हैं, काम भी किए उन्होंने, नज़र आते हैं मुल्क में, लेकिन असल बात यह है कि अवाम के लिए अब कुछ ना कुछ करना जो है ना, वो काफ़ी मुश्किल काम है। जिस कंडीशन में इस वक्त मुल्क है ना, इसको रिवर्स लाना मेरा ख्याल है 8-10 साल के बहुत मेहनत से भी काम हो और ईमानदारी से हो और चीज़ों को कंट्रोल किया जाए तो 8-10 साल से कम नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया। छोटा सा हम सर्वे कर रहे हैं, अगर आप अपनी राय दीजिएगा, ये मियां साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को वापस, ये हल्का है मियां साहब का, क्या राय है लोगों की मियां साहब के बारे में? मियां साहब का ये हल्का बहुत ही हल्का है। हल्का बहुत ही हल्का है, बहुत ही हल्का। किस सेंस में? मियां साहब अब क्या कर रहे हैं आने, पहले बात तो ये है, पॉलिटिक्स करने आ रहे हैं? पॉलिटिक्स करने आ रहे हैं, 4 हफ्ते का टाइम था, मिस किया आपने उनको, बहुत मिस किया। मैं कह रहा हूँ कि क्या गए हैं वो, कैसे तो वो मिस किया ना आपने, ये तो फैक्ट है। कानून की धज्जियां उड़ा के मियां साहब तो वो जुराब अब आ रहे, क्या करने बीमार थे, कहते हैं बीमार थे, प्लेटलेट्स गिर गए थे। चले बीमार है, बीमार आदमी को रेस्ट करना चाहिए कि हुकूमत करनी चाहिए? नहीं, अब ठीक हो गया ना, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, जितनी बीमारियाँ वो लिखवा के गए थे, मेरा ख्याल है कि वो अभी तक तो कुछ आई भी नहीं है जो वो लिखवा के चले गए थे। लोगों की क्या जनरली राय है ये, क्योंकि हल्का मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है, क्योंकि बहुत देर से आप यहाँ पे मौजूद हैं इस इलाके में, लोगों की आमतौर पे जनरली क्या राय है, ये हल्का आज भी मियां साहब का है उसी तरह सपोर्ट करता है या वो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अगर आज इलेक्शन हो इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान इस हल्के में, कौन जीतेगा? इमरान खान साहब। मियां साहब भी जीतेंगे, क्योंकि ग्वाल मंडी का मियां साहब का, मियां साहब ही जीतेंगे। ग्वाल मंडी का, इधर आना, ग्वाल मंडी का क्या? ग्वाल मंडी का हल्का मियां साहब का, और मियां साहब ही जीतेंगे। अगर ये कह रहे हैं ना इमरान खान जीतेंगे तो गलत कह रहे हैं, इमरान खान जीतेंगे। राय है, हर एक की अपनी राय है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये तो इनका एक पॉइंट बड़ा वैलिड था कि 4 साल लगा दिए, 3.5 साल लगा दिए वापस आने में, इतनी लंबी छुट्टी, लेकिन इमरान खान साहब ने दी है, इमरान खान को अपनी मौत नजर आ रही है, अगर वो ना देते तो इमरान खान साहब नीचे आ जाना था। सही कह रहे हैं, सही है ना? सही कह रहे हैं, नीचे आ जाना था जान जी। अच्छा, ये सियासत ही, बिल्कुल। मकसद ये नहीं है कि मियां साहब आएंगे या नहीं आएंगे, मकसद ये है कि पाकिस्तान 3 हालात से गुजर रहे हैं, मकसद ये है कि ये ठीक होंगे कि नहीं, नहीं मुझे सबसे बड़ा सवाल तो ये है, मतलब क्या है, इन्होंने मियां साहब के आने से भी नहीं ठीक होंगे। इन्होंने देखे जो हाल किया है ना, आप फर्ज कर लेंगे जी, हमने 2 जंगें जीती हैं, इंडिया ने हारी है, इंडिया चांद पे चला गया, ऐसे ही है। हाँ, एटम बम हमने बनाया है, हम दलील हो रहे हैं। हाँ, जापान ने 2 बम खाए, जापान कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त? श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है, हमारी करेंसी कहाँ पे है? हाँ, हम श्रीलंका से भी नीचे हैं, बांग्लादेश से भी नीचे हैं। हाँ, इवन के 40 साल अफगानिस्तान ने जंग लड़ी है, उनका करेंसी हमसे तगड़ी है। ये ऐसे मैं सवाल कर रहा सी, और तुसी कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जीत जाएंगे, हल्का उनका 72। हाँ जी, सारे ये पूरा हल्का उनका आता है ना, सबसे पहले बल्कि अपनी सियासत का आगाज़ भी उन्होंने यहीं से किया था। तो अगला वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए आपकी नज़र? नवाज शरीफ है। अच्छा, वो भी नवाज शरीफ हो, आपकी राय में किसको? इमरान खान साहब को होना चाहिए। आप इमरान खान को समझते हैं? इमरान खान साहब तो नाहिल हैं। नहीं सर, कौन कह रहा नाहिल? नहीं नहीं, कानूनी तौर, कानूनी तौर मतलब वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, मुजरिम है, वो भी नहीं लड़ सकते, तो फिर वो दोनों ही नहीं लड़ सकते। कानून कानून है कहाँ पे, पहले ये भी तो देखे ना आप। आपके लिए तो है। हाँ, हमारे लिए, गरीब आदमी के लिए सारे कानून है। हाँ, ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है। ताकतवर मरियम साहब जमानत में है ना, कहाँ पे है? एक बंदे का, एक फैमिली का कोई बंदा फौत हो जाता है, उसको आप नहीं आने देते जनाजे पे? भाई मियां साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को वापस। जी जी, क्या होगा मियां साहब का इस्तकबाल, कैसा होगा, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? क्या पैगाम देंगे आप, महंगाई बहुत हो गई है। हाँ, मियां साहब आगे कुछ नहीं होगा,
कुछ भी नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं जी हम आपको 2013 2018 के दौर में ले जाएंगे। नहीं हो सकता, तरक्की तरक्की थी पाकिस्तान, नामुमकिन है। महंगाई तो जी कंट्रोल नहीं होती महंगाई, कौन कंट्रोल कर सकता है? कोई भी नहीं करेगा, कौन करेगा? जो आता है वो पंजे फुल करता है। इमरान खान साहब, अगर मियां साहब नहीं तो फिर इमरान खान साहब? इमरान खान साहब नहीं कर सकता। क्यों? कोई भी नहीं कर सकता, सब अपने जेबी भरते आते हैं, जेबी भर के चल जाते हैं। आप बहुत नाउमीद लगते हैं मुझे, सारी जमातों से नाउमीद लगते हैं। कोई भी नहीं कुछ कर सकता। तो क्या अगली दफा वोट नहीं डालना आप? शायद। किसको डालेंगे? किसको डालेंगे? वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। यार ये तो गलत है ना, ये तो कौम की अमानत होती है। एक आपका फरीजा है, पाँच साल में आपने एक दफा जाके वोट डालना। कुछ फायदा नहीं वोट डालने का, कुछ मिला ना वहाँ। आया सबसे नाउमीद हो गए आप। उम्र क्या वैसे आपकी? 25 साल। यार आप 25 साल के हैं यार, नौजवान हैं आप, आप तो इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। अगर आप ना उम्मीद हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह से दुआ, बस अल्लाह तो करेंगे जो करेंगे। चल छोटा जैसी सवाल कर रहे हैं, अब मियाँ साहब आने लगे ने 1 अक्टूबर को। हाँ जी। की होएगा? शेर आएगा और छाएगा। शेर आएगा तो छाएगा? हाँ जी, छाएगा। नवाज शरीफ साहब ने शेर बनाता है? शेर पहले ही शेर है। अच्छा। हाँ जी ठीक, शेर छा देगा ऐसे। हले भी लाहौर लोग सपोर्ट करते ने मियाँ साहब? क्यों नहीं करते, मियाँ साहब ने बड़ी खिदमत की हुई है। अच्छा। पानी एटम बम है, एटम बम तो आया मियाँ साहब ने। हाँ तो क्यों ना हम वोट डालेंगे। अच्छा, तो ये जो महंगाई है इसका कौन जिम्मेदार है? महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ कंट्रोल कर लेगा। शहबाज शरीफ साहब ने की किया? बस वो शहबाज शरीफ से नहीं संभाला गया तो डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन नवाज शरीफ कर लेगा। हाँ जी सर। शुक्रिया। कैदी नंबर 804 इसका। हाँ जी, कैदी नंबर 804 इसका हल है। इमरान खान साहब भी अब इसको कर सकते हैं, जो भी उन्होंने पहले स्टेबल की थी कोरोना के अंदर, उन्होंने स्टेबल की थी। ठीक है, तो अब भी उन्होंने कर देना। अच्छा, तो ये जो भी हो रहा है अभी इनके साथ, तो ये सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि पहले भी दरवाजे खुले हैं सियासत में, कभी लोगों के लिए खुल जाते हैं बंद हो जाते हैं, चलता रहता है। ऐसे ही है शरीफ फैमिली के लिए, अब देखे ना उनके कितने करप्शन केसेस है, नैब तरमीम का उन्होंने किया, इतना कुछ किया, लेकिन सब सही है उनके लिए। तो ऐसे ही इनके लिए भी हो जाएगा खान साहब के लिए। लेकिन सर वो हर बंदा वोट उनके ही है, पीटीआई का वोट है, वोट पीटीआई का है। इधर से आप 100 में से कोई 90 बंदे भी देख लेंगे ना, तो उनका वोट है पीटीआई का। ये अब उनका हल्का है सारा, ग्वाल मंडी वगैरह जितना है ये सारा, लेकिन नहीं खान के सपोर्टर ज़्यादा है। नाज़रीन ये आपने राय सुनी, हम लोग मियाँ साहब के हलके के अंदर मौजूद थे, कुछ लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग मियाँ साहब को सपोर्ट करते हैं, और वो ये समझते हैं कि उनकी वजह से जो है, उनके अपने अपने लीडरों की वजह से जो है पाकिस्तान के हालात तब्दील हो जाएंगे। बहरहाल हमने एक सर्वे करके आपके सामने तमाम लोगों की राय रखी, लोगों के जहनों की पल्स क्या है ये आपके सामने रखी, आगे फैसला आपने करना है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।